वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनंत श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश में जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके थ्रू अब भर्तियां जो हैं रिलीज होने वाली हैं और अब कंटिन्यूटी रहेगी इसमें, क्योंकि आप लोगों को जैसा कि पता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो है गठन हो चुका है और इसके जो हेड हैं वो सीपी पालीवाल जी हैं और इन्होंने अभी जल्दी हाल ही में एक वैकेंसी निकाली हुई थी योगा ट्रेनर से रिलेटेड, जिसका डेट ओवर हो चुका है और इन्होंने अब अगली भर्ती जो है ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती की इन्होंने डेट दे दी हुई है कि इसका विज्ञापन कब आ रहा है। और साथ ही साथ मैं उस भर्ती की भी डिस्कस करूँगा जो पुराने गवर्नमेंट में यानी अखिलेश यादव जी के गवर्नमेंट में जो भर्तियों के लिए विज्ञापन लिया गया था वो कितने पद हैं, लगभग उसमें कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, और उन भर्तियों पर क्या निर्णय होगा, क्या वो भर्तियाँ फिर से रिलीज होंगी या भर्तियों को रद्द कर दिया जाएगा, आज इस पूरे मैटर पर मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मैं जो कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए जिससे एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ अपने फ्रेंडों में भी इसे शेयर भी करिए। तो पूरा मैटर समझने के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं बात कर रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो गठन हुआ है यूपी में, उसमें इन्होंने दो भर्तियों की एक साथ कराने की योजना इन्होंने बनाई हुई है। यानी एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अब यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी भर्तियां होंगी उस पर एक मतलब अभी विचार चल रहा है कि अगर समान योग्यता वाले पद होंगे, ठीक है ना, तो उनका एग्ज़ाम एक साथ होगा, ठीक है। तो इन्होंने इसमें एक नया जो इनोवेशन करने की इन्होंने सोची हुई है सीपी पालीवाल जी ने, आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए बीडीओ और सेक्रेटरी के 2500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो है मई महीने में जारी कर दिया जाएगा और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन दोनों पदों का एग्ज़ाम जो है एक साथ लिया जाएगा। तो इन्होंने एक व्यवस्था बनाने की सोची हुई है, उसमें ये रहेगा कैंडिडेट का ही फायदा रहेगा, उसमें ऑप्शन ले लिए जाएंगे पदों के, ठीक है ना, और जिस हिसाब से रिटर्न में मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग वेटेज के अकॉर्डिंग उस पद को इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, कैंडिडेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज इसमें देख सकते हैं कि बी डी ओ और सेक्रेटरी के 2500 पदों पर भर्ती होनी है, ठीक है, और जिसमें से ग्राम पंचायत अधिकारी यानी सेक्रेटरी के 1500 पद होंगे और ग्राम विकास अधिकारी के 900 पद होंगे, ठीक है ना, ये दोनों मिलाकर 2500 पद हो जाएंगे और इस भर्ती का विज्ञापन जो आएगा वो आपके मई महीने में आएगा। इन्होंने डेट मंथ जो है क्लियर कर दी हुई है और इसके पहले जो इन्होंने विज्ञापन लिया हुआ था योगा से रिलेटेड उसकी डेट ओवर हो चुकी है और उसका सिलेबस भी ये दे चुके हैं, ठीक है, तो बहुत जल्द उसके एग्ज़ाम की डेट भी आने वाली है, ठीक है। तो ये तो हो गई नई भर्ती की। अब मैं बात करने वाला हूँ जो पुराने गवर्नमेंट में यानी अखिलेश यादव जी के गवर्नमेंट में जो विज्ञापन निकला हुआ था उस टाइम, उसमें जो कैंडिडेट ने अप्लीकेशन फिलअप किया हुआ था उसके विषय में क्या निर्णय हुआ या क्या निर्णय होगा, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए ये था कि 6500 पदों पर, ठीक है ना, यानी पुराने गवर्नमेंट के टाइम में जो विज्ञापन निकला हुआ था वो 6500 पदों के लिए विज्ञापन निकला हुआ था और उसमें लगभग अप्रॉक्स जो है 11 लाख लोगों ने आवेदन किए हुए हैं। ये 6500 पद कई विभागों के पदों को मिलाकर एक इकट्ठा किया गया हुआ है। तो इस पर अभी फाइनली जो इसके हेड हैं सीपी पालीवाल जी हैं, इन्होंने फाइनली इस पर कोई अभी डिसीजन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। हालांकि ये जितने पद थे जो इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी हुई थी उन्होंने जांच से इन पदों को बाहर कर दिया हुआ था कि ये उन पे छोड़ दिया था बोर्ड पे कि आप इसे चाहे कैंसिल कराएं चाहे इसका एग्ज़ाम करवाएं, इसमें कोई भी धांधली होने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि इसमें अभी कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी। तो उसी के बाद से ये मंथन चल रहा है कि इन जो 6500 पद हैं इनका क्या किया जाए, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आयोग को तय करना है कि इन विज्ञापनों से जुड़ी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर नए सिरे से आवेदन मांगे जाएं या प्राप्त आवेदन के आधार पर ही चयन कार्रवाई आगे बढ़ाएं। इस संबंध में निर्णय में देरी से इन पदों के लिए आवेदन करने वाले 11 लाख से अधिक आवेदक ऊहापोह में हैं, ठीक है। तो आप देख लिए यहाँ पर
कि 11 लाख से अधिक आवेदक जो हैं वो अपोह में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका जो फाइनल कंक्लूजन होगा, यानी सी बी पालीवाल जी ने एक तरीके से निष्कर्ष दिया हुआ है और इन्होंने बताया हुआ है कि ये जितने भी विज्ञापन निकाले गए हुए थे इसमें काफ़ी विसंगतियाँ पाई गई हुई हैं। ठीक है, विसंगतियाँ मतलब ये है कि इन्होंने देखा हुआ है कि कई पद ऐसे थे जो अलग अलग पे स्केल वाले थे और उनको जो है अलग अलग विज्ञापन के थ्रू जो है एक तरीके से प्रकाशित किया गया है। तो वो एक समराइज चाहते हैं, यानी अगर समान पे स्केल वाले रहेंगे तो उनको उनकी एक परीक्षा करवा देंगे। ठीक है, और समान योग्यता वाले रहेंगे तो उनकी एक परीक्षा करवा देंगे। यानी इसका मैं फाइनली मैं बता दूँ, इसका कंक्लूजन निकलने वाला है कि इसके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है ना, और एग्ज़ाम की डेट आपको बहुत जल्द मिल जाएगी इसकी। तो आप लोग अब जो है, अगर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी में पहले थे या अब होना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप लग जाइए, क्योंकि आपको योगा ट्रेनर से रिलेटेड अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो उसके भी पेपर बहुत जल्द हो जाएंगे। और ये जो मई में विज्ञापन आ रहा है वीडियो का, ग्राम पंचायत अधिकारी का, उसके भी प्रोसेस जब होगी तो पेपर होने हैं। और इसके पेपर जो हैं 6500 पदों के, इसके पेपर बहुत जल्द आपको मिलेंगे। ठीक है ना, ऐसी एक तरीके से मुझे उम्मीद और आशा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही अपडेट था, और आगे जो भी इससे संबंधित अपडेट होगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। यदि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उस चीज़ को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।